हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 2 अप्रैल 2019 है, ट्यूसडे का दिन है और यस बैंक पे अपडेट लेके आए थे। यस बैंक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड में काम कर रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बार ये 293 की ओर जाते हुए दिख रहा है और 293 के आसपास अगर क्रॉस करता है तो 327 के ओर जाएगा। 327 क्रॉस करता है तो 350 की ओर जाते हुए दिख रहा है। इसमें कंटिन्यूस आप वॉल्यूम देखेंगे तो आप 2 करोड़ 47 लाख का दो के आसपास की वॉल्यूम हो रही है और बाइंग सेंटीमेंट देखिए 82% है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ 82% के साथ पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ये काम कर रहा है। और अगर इसमें देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.52 है। डिलीवरी परसेंटेज देखें 28, 26, 27% है। तो कहीं ना कहीं अच्छे वॉल्यूम के साथ ये काम करते हुए आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देखने की कोशिश करें तो ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, जहाँ पे इसकी क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी कि 280 के आसपास दिखे आपको यहाँ पे 278 के आसपास दिखे, 281 के आसपास दिख रहा था आपको। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव के साथ ही क्लोजिंग दी है, मतलब जहाँ पे आपको दिखना चाहिए था उसका वॉल्यूम वेटेड 278 वहाँ पे 280.30 का दिखा है। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव है, 270 जगह 280 दिख रहा है तो 2 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। और ये स्टडी के रूप में एक धीरे 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 करके एक धीरे धीरे ऊपर एक चलते जा रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर जाते जा रहा है। यहाँ पे कल एक इंडिसिजिव टाइप का कैंडल बना लेकिन इंडिसिजिव के बावजूद ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऊपर की ओर ये पैटर्न की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि 280 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 88 है और 290 के पास ये जाके कहीं ना कहीं हो सकता है अपने को थमने की कोशिश करेगा और ब्रेक करने की कोशिश करेगा। RSI भी देखिए तो 78 हो रहा है, 82-83 तक जाता है। अगर यस बैंक को देखें, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखें तो आप देखेंगे ये 269 क्रॉस कर रहा है, 50% को क्रॉस करके 293 के रीजन में घुस रहा है और यहाँ 293 क्रॉस करता है तब 327 जाएगा। तो इस रीजन की ओर जा रहा है 293 की ओर, लेकिन यहीं पे इसको जो है 289 के पास यहाँ पे एक गैप अप है। तो क्या इसको ये क्रॉस करेगा, ये देखने की चीज है। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आपको ये ऊपर की ओर जाएगा जो 327 की ओर जाकर के वहां पे सपोर्ट लेगा। RSI भी चूंकि 78 हो चुका है तो कहीं ना कहीं एक चीज है डेली बेसिस पे, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको स्टे होता हुआ दिखे। अगर यस बैंक को अगर आप दूसरे तरीके से देखें, रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे देखें, तो ये देखिए इसको रेसिस्टेंस लेवल पे तो पहला 286 पे है, फिर 328 है, यहाँ पे भी वही शो हो रहा है। और अगर इसको वीकली बेसिस पे देखा जा रहा है, ये वीकली बेसिस पे है और वीकली बेसिस पे देखें ये 60% RSI दिखा रहा है। तो यहाँ से तो लग रहा है कि एक बार 328 की ओर जा सकता है, लेकिन इसको 286 जो इंपॉर्टेंट लेवल मींस 293 एक बार इसको क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसका 50% का लेवल है। ये अगर इसको 293 क्रॉस करता है 0.618% है। तो अगर ये 61% क्रॉस करता है, 293.52 को क्रॉस करता है तो फिर ये 328 की ओर जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो यस बैंक में एक पॉजिटिव है, लेकिन वॉल्यूम भी देखिए तो बहुत अच्छा हो रहा है इसमें। तो यस बैंक में पॉजिटिव व्यू के साथ आप इसको बाइंग रख सकते हैं। मैं हर समय बोला हूँ, हर टिप पे यस बैंक को बाय कीजिए, पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। ये आपको 400 लेवल जाते हुए देर नहीं लगाएगा और ये सबको मौका दे रहा है, ऐसा नहीं किसी को मौका नहीं दे रहा है, ये सबको धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अब अगर इसको एक बार जा करके अगर हम यहाँ पे इस ट्रेडिंग परसेंटेज को ट्रेडिंग को देखें तो आप देखेंगे इसके 19 मार्च से लेकर के कंटिन्यू जो हो रहा है, वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास हो रहा है और डिलीवरी परसेंट 23% है, 29% है। और आज का जो देखेंगे 2 करोड़ 47 लाख 8,930 ट्रेडेड क्वांटिटी हुई है और 59,6,625 की डिलीवरी हुई है। कल भी 65 लाख की हुई थी, आज भी 59 लाख की हुई, परसों 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की डिलीवरियां हो रही हैं। तो डिलीवरी में धीरे 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 ये कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो स्टॉक बनता जा रहा है और लोग इसको एक्वायर करके, चूंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, आप 276 की जगह यहाँ पे 278 की जगह 280 का प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और उसके साथ भी आपकी वॉल्यूम भी 2 करोड़ 47 लाख की हो रही है
तो विथ वॉल्यूम जो कि एवरेज 20 डेज से ज़्यादा है उसको क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिवनेस दिखने को आ रहा है। अगर डेरिवेटिव में भी जा करके देखें तो 282 पे चल रहा है, 25 अप्रैल का है, ये साइड आपका पुट है और ये कॉल है, पुट आपको सपोर्ट देता है, कॉल रेसिस्टेंस देता है। जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो आपको लोग रोकते हैं इसलिए रेसिस्टेंस होता है, जब नीचे की ओर गिरते हैं तो लोग नीचे आपको सपोर्ट देने के लिए पकड़ते हैं इसलिए सपोर्ट बोलते हैं। तो 280 एट द मनी देखें, एट द मनी मैंने जिस लेवल पे चढ़ा उसके नियरेस्ट द मनी को एट द मनी बोलते हैं। तो 280 पे देखें तो 280 पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको 16.90 चल रहा है, और इसको अगर जाकर के अगर 280 के कॉल को देखें तो आप देखेंगे 280 के कॉल जिसके लॉट साइज है 1750, आप देखेंगे तो 7.73 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, 414,750 की बाइंग क्वांटिटी है, 610,000 की सेलिंग क्वांटिटी खड़ी है। अगर 280 को छोड़ें, अगर उसके 290 को एक बार देखें और 290 को देखें तो यहाँ पे भी 392,000 की बाइंग है, 4 लाख का सेल चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट 17% है। और 280 के अगर पुट को 280 के पुट को अगर देखें एक बार तो आप देखेंगे 414,000 का सेल है और कॉल 280 के पुट को देखते हैं, एक कॉल दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक बार 280 के पुट को देखते हैं क्योंकि 13.20 रुपये पे चल रहा है। तो 280 का पुट जो है आप देखें 12 का लो था, हाई था 18 का, 13 की क्लोजिंग दिया है, 39% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 3,23,000 का बाय है और 2,62,000 का सेल है, बाइंग पुट पे ज़्यादा हो रही है, पोजिशन लोग शॉर्ट की ज़्यादा बना रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो 280 पे 2,13,000 से शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और यहाँ पे 2,24,000 से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ बाइंग की पोजीशन बन रही है और ये 31,22,000 और इसको क्रॉस कर चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका न्यू रेजिस्टेंस जो 53,00,000 का आप देखेंगे 300 पे बन रहा है और ऊपर 300 के ऊपर जो है अनवाइंडिंग हो रही है, 35,000 की अनवाइंडिंग हुई है, तो ये 300 शायद क्रॉस नहीं करेगा ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे भी देखें 310 पे अनवाइंड हो रहा है, 300 तक पे शॉर्ट हो रहा है और 280 पे अभी से शॉर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको 300 की ओर जाते हुए दिख रहा है, बट 300 इस महीने में क्रॉस होने की अभी इस चार्ट पे संभावना नहीं देखने को मिल रही है। क्रॉस होगा तो अपने आप चार्ट फिर से बन जाएगा और अपडेट आपके पास आ जाएगा। तो यस बैंक में ये कहीं ना कहीं जो आपको बताया 293, यहाँ पे 293 पे यहाँ पे रेसिस्टेंस है, वहाँ पे जाके खड़ा हो सकता है, या ये जहाँ गैप अप बनाया था 288 के आसपास गैप अप है इसका, यहाँ पे जाके खड़ा हो सकता है। और अगर ये दोनों लेवल क्रॉस करता है तो ये आपको फिर 328 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो 293 पे इसको एक रेसिस्टेंस है, मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कोई भी बाय और सेल करना हो तो आप पहले अपने एडवाइजर देखिए। 278.15 की इसमें 280.30 की क्लोजिंग दिया है, उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए शो नहीं हो रहा था, तो आप अपने एडवाइजर से बात करने के बाद ही पोजीशन बनाएंगे, पैसा आपका है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत